हेलो गाइस, मेरा नाम दीपिका है और मैं एक वीडियोग्राफर हूँ। यहाँ पे मैं आज आपको फिलिप्स की मशीन और एमआरआई ब्रेन कैसे करते हैं फिलिप्स की मशीन पे, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले ये मशीन का कॉइल और इसके कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊंगी। ये हेड कॉइल होती है जिसपे पेशेंट को लेटा के पोजिशनिंग करके हम उसको अंदर लेते हैं, और ये इसके कुछ कंट्रोल पैनल्स होते हैं। पास में ये कुछ इसके कंट्रोल पैनल होते हैं, तो इससे हम मशीन को अप डाउन एंड इसकी पोजीशनिंग और इसकी सेंटरिंग करते हैं। जैसे कि ये वाला एक पॉइंट है, जिसको अगर हम अप करेंगे तो टेबल अप जाएगा, इसको डाउन करेंगे तो इसका टेबल नीचे जाएगा। तो हम एक इसको किसी भी पेशेंट को अगर लेटाएंगे तो एक पोजीशन पे आके टेबल रुक जाएगा, उतना इतनी देर तक इसको पकड़े रहना है। फिर हम इसको दोबारा से ऊपर करेंगे तो टेबल अंदर बाहर होता है। ठीक है, तो इसमें ये एक सेंटरिंग का बटन होता है जिसमें एक लेज़र लाइट निकलती है। लेज़र लाइट हम किसी भी पेशेंट की कोई भी पोजीशनिंग करते हैं तो उस पर सेंटरिंग करने के लिए हमें उसकी लेज़र लाइट जलानी पड़ती है। इस ये जैसे कि मैंने दबाया, ये जो रेड लेज़र बीम होती है ये लेज़र लाइट होती है। जैसे कि पेशेंट का हेड करना है तो उसकी एक पोजीशनिंग करनी है तो वो लेज़र लाइट के थ्रू करते हैं। फिर एक ये जो इसके नीचे का जो बटन है इसको फिक्सिंग का बटन कहते हैं। जैसे कि कोई भी पोजीशनिंग हमने फिक्स कर दी, उसके बाद ये टेबल उसी पोजीशन पे ऑटोमेटिक चली जाएगी। ये यहाँ का कंट्रोल पैनल है। उसके बाद कोई भी पेशेंट को बाहर निकालना होता है तो हम इसी को दबाएंगे और इससे ही बाहर निकल आएगा टेबल, और इससे ही डाउन भी होगा। तो यहाँ पे ब्रेन की पोजीशन कर रहे हैं हम। फ़ोन को ज़्यादा पास नहीं ला सकते क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये इन्होंने हेड कॉइल लगा दी है इसमें। अब ये टेबल को ऊपर करेंगे। सर को नहीं लाना बिल्कुल भी। एक पोजीशन पे जाके टेबल रुक जाती है, फिर अंदर करते हैं। फिर यहाँ पे रोक के इसकी सेंटरिंग करेंगे जो कि लेज़र बीम होती है एक, इसको ये ऑन करेंगे और उसकी सेंटरिंग लेबुला पे करेंगे और सेंटरिंग फिक्स करके फिर पेशेंट को अंदर कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे पेशेंट की पोजीशनिंग हो गई है। अब हमारा सारा काम सिस्टम का है। हम पेशेंट को यहाँ से भी देख सकते हैं, हमारे पास एक एक्स्ट्रा मॉनिटर है, यहाँ से हम पेशेंट को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पेशेंट की एंट्री, जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो उसका नाम हम फिल करना होता है, तो यहाँ पर पेशेंट का नाम, उसके साथ में उसकी एज, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर से एज डालेंगे, इधर ईयर सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी, फीमेल, कितना वेट है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो यस करेंगे, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो नो करेंगे, कोई इम्प्लांट है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे उसकी क्या स्टडी है वो डालनी है, ब्रेन। तो आज हम ब्रेन करेंगे। यहाँ से कंफर्म एंड प्रोसीड करके स्टार्ट करना होता है। ये यहाँ पे उसका नाम सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये हमारे फोल्डर्स है कुछ, फिलिप्स हॉस्पिटल एंड अदर्स। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो अदर्स में डीपी में जाके ब्रेन को सिलेक्ट करना होता है। तो सारे सीक्वेंस यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें से हमें कुछ सीक्वेंस नहीं चलाने हैं तो उसको हम हटा देंगे। वो कॉन्ट्रास्ट के थे तो हमें प्लेन करना है, तो फिर हम प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो हम सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा सर्वे आ चुका है। सर्वे में 3 प्लेन लोकलाइजर होते हैं, सैच, कोर और एक्सियल। तो हमें इन पे ही पहले प्लान डालना होता है। तो हमारा पहला सीक्वेंस है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में हम प्लान ऐसे डालते हैं कि जो साइनस का एरिया होता है, जो पीएनएस वाला एरिया जिसमें एयर होती है, उसको हटा के प्लान करते हैं। मतलब इसका एंगल ऐसा रखते हैं कि जो फर्स्ट कट है वो साइनस से थोड़ा हट के ही प्लान हो, इसलिए इसको थोड़ा सा ऑब्लिक टिल्ट कर देते हैं ताकि ये वाले जो पीएनएस वाले साइनसेज हैं वो हट जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको एंगल दे देते हैं। बाकी कोर पे हमें ये देखना होता है, जो
मिड वाली लाइन है हमारी, वो एकदम पार्क सेरेब्री के पैरेलल जाए, लाइक दिस, बिल्कुल सीधी ही जानी चाहिए। अगर सीधी नहीं जाएगी तो हमारा सिमेट्रिकल नहीं कटेगा। सेम ऐसा ही एक्सहेल में भी करना होता है कि जो हमारा पीएनएस वाली लाइन जो हमारी पार्क सेरेब्री होती है इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन जो हमारी मिड लाइन होती है तो ये जो ब्लू लाइन है वो उसके ही बिल्कुल सीधे ही जानी चाहिए ऐसे। अगर हम इसको, अगर ये टेढ़ा होगा तो हमारा जो एक्सहेल का प्लान आएगा वो भी टेढ़ा ही आएगा, इसलिए हम इसको पहले से ही सीधा करके रखते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करना है और यहाँ से स्टार्ट स्कैन करना है। ये हमारा सीक्वेंस रन होने लगा है। बाकी हमारे एक्सहेल, फ्लेयर, T2, T1 और SWI, ये चारों एक्सहेल हैं। तो एक्सहेल हम एक एक्सहेल प्लान करेंगे तो हमारी ये तीनों बाकी के ऑटोमेटिक प्लान हो जाएंगे। तो हम जो ब्रेन के एक्सहेल प्लान डालते हैं तो जो हमारा कॉर्पस कैलोसम होता है, ये कॉर्पस कैलोसम का शुरू का और ये एंड का, तो हमें जो मिड लाइन होती है वो ऐसे डालनी है जो कॉर्पस कैलोसम के एकदम पैरेलल काटते हुए जाए, यानी कि जो कॉर्पस कैलोसम का जो स्टार्टिंग और एंड वाला लोकेशन है वो एकदम एक ही लाइन में सीधा सीधा कटे। हमें ऐसे प्लान डालना होता है। बाकी ब्रेन में ये देखना है कि हमारा आगे का पूरा एरिया ब्रेन का नोज़ कवर हो और पूरा ब्रेन का ऊपर नीचे, हमें ये देखना है कि ब्रेन हमारा पूरा कवर है कि नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम कोरोनल में भी वैसे ही करना है जैसे डिफ्यूज़न में करना था, मिड लाइन बिल्कुल पार्क सेरेब्री के पैरेलल जानी चाहिए और एक्सहेल में भी सेम टू सेम ऐसे ही करना होता है। ये हमारे एक्सहेल सारे प्लान हो जाते हैं। ये हमारा अगर ऐसा टेढ़ा टेढ़ा हो गया ना तो ये हमारे एक्सहेल सारे प्लान हो गए हैं। अब एक एक्सहेल आ जाएगा, उस पर हम एक सैज और एक कोर प्लान डालेंगे। तो हमारा इसमें एक एक्सहेल आ गया है क्लियर का, तो हम इस पर ही अब सैज और कोर का प्लान डालेंगे। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करना है सैज पे। ये जो हमारा बॉक्स आता है वर्टिकली आता है, ठीक है, तो इसकी मिड लाइन ये होती है हमारी पार्क सेरेब्री, ये जो देख रहे हो आप ये होती है पार्क सेरेब्री, तो मिड लाइन इसके ही बिल्कुल पैरेलल जानी चाहिए। पैरेलल मतलब एकदम इसके ऊपर इससे ही निकलनी चाहिए, ठीक है, तभी सिमेट्रिकल कटता है। बाकी हमें ब्रेन देखना है पूरा कवर है कि नहीं, ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट तक हमें पूरा देखना है कि ब्रेन का पूरा एरिया कवर है कि नहीं। बाकी सैज में हमें बॉक्स को वैसे रखना है कि जैसा हमें उसका चाहिए होता है, मतलब जो हमारा यहाँ पे कॉर्ड आता है जिस एंगल में सर जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो हल्का सा थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर देंगे, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर टिल्ट कर देंगे। तो जो हमारा कॉर्ड होता है, इस स्काउट में कॉर्ड दिख नहीं रहा है लेकिन जो हमारा स्पाइन होता है हम स्पाइन के एंगल पर ही इसका थोड़ा सा एंगल रखते हैं जिससे हमारा जो सैज का इमेज आएगा वो एकदम सीधा कट के आएगा। सेम कोरोनल में वही है, वर्टिकल वॉक बॉक्स है और इसमें ये मिड लाइन जा रही है, ये मिड लाइन के एकदम बीचों बीच से निकलना चाहिए। यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारा प्लान हो गया है। इसके बाद हमारा कोरोनल का प्लान है। कोरोनल में ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स आता है, सैज में जो हमारा बॉक्स आएगा वो वर्टिकल आता है और जो कोरोनल में होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। सैज में जो हमारा बॉक्स आएगा वो वर्टिकल आएगा और जो कोर में आएगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये ब्लू लाइन है ये भी इसका, किसी किसी मशीन्स में ना ये ब्लू लाइन नहीं आती है तो यहाँ पे एक एरो सा बन के आता है, आपको फिर वो देख के फोकस करना होगा कि हमारा जो एंगल जा रहा है वो बिल्कुल ब्रेन के एंगल के साथ ही जा रहा है या मिड लाइन को काटते हुए जा रहा है, मिड लाइन के बिल्कुल बराबर जा रहा है कि नहीं। तो हमें इस बॉक्स का एंगल ऐसे रखना होता है, ठीक है। बाकी एरिया पूरा कवर करना है ब्रेन का। सैज में सेम ये बॉक्स एकदम
जो वर्टिब्रा होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसकी ही पैरेलल जाना चाहिए इस एंगल में। और कोर पे हमारा बॉक्स, जैसा कोर का एंगल है वैसे ही कोर का बॉक्स भी डालना होता है। अगर कोर का एंगल थोड़ा ऐसा होता है तो हम ऐसे डालते हैं बॉक्स को थोड़ा टिल्ट करके, बाकी ये मिड लाइन एकदम सीधी जानी चाहिए, जिससे हमारा एकदम सीधा कट के आता है, सिमेट्रिकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेन का प्लान पूरा हो चुका है। ये यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे, बाकी यहाँ से इमेजेस देखते हैं। थैंक यू।